बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज तिब्बती आध्यात्मिक बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा से मिलने बौद्ध गया पहुंचे। इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। एयरपोर्ट से दलाई लामा के प्रवास स्थल तिब्बत मॉनेस्ट्री पहुंचे, जहां दलाई लामा से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। करीब 25 मिनट तक सीएम नीतीश कुमार ने दलाई लामा से बातचीत की। मुलाकात के बाद सीएम नीतीश कुमार महाबोधि मंदिर पहुंचे, जहां गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चना की। सीएम नीतीश कुमार के आगमन पर सुरक्षा को लेकर 2 घंटे तक महाबोधि मंदिर में आम श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। सभी श्रद्धालुओं को कतारबद्ध कराया गया। यहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यही कारण है कि हर साल लाखों बौद्ध श्रद्धालु यहां आकर पूजा अर्चना और साधना करते हैं। आपको बता दें कि हर साल पर्यटन सीजन में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा बोध गया में प्रवास करते हैं। इस बार कालचक्र मैदान में 29 दिसंबर से 31 दिसंबर तक दलाई लामा प्रवचन देंगे। 1 जनवरी को दलाई लामा की दीर्घायु के लिए विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। इस दौरान उनके प्रवचन में शामिल होने के लिए दर्जनों देशों से लाखों बौद्ध श्रद्धालु और विदेशी पर्यटकों के आने की संभावना है।